स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.ओपी। तो दोस्तों सभी ने अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा CISF फायरमैन का। तो चलिए दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि CISF फायरमैन के फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे डॉक्यूमेंट में फेल किए जाते हैं। क्योंकि आप फिजिकल पास कर लोगे, इतना मेहनत करके हाइट वेट पास कर लोगे और लास्ट में यदि आपको डॉक्यूमेंट में छांट दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा। तो इसीलिए आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लो यदि आपका फिजिकल है, यदि आपने CISF फायरमैन में ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, क्योंकि 26 तारीख से फिजिकल शुरू है और कितना पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो लगेगा OBC SC ST ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, राज्य सरकार का चलेगा या भारत सरकार का चलेगा, फोटो कितना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं फिजिकल सेंटर में, और सबसे ज़्यादा बच्चे किस में फेल होते हैं फिजिकल सेंटर में, सारी जानकारी इस वीडियो में आज देने वाले हैं। तो दोस्तों बड़ी जानकारी है, सभी बच्चे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और 26/8/2022 से आप लोगों को फिजिकल की सारी जानकारी इसी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान दिया जाएगा, लाइव दिया जाएगा कि कैसे हाइट मापता है, कैसे डॉक्यूमेंट चेक करता है, कितना दिन पुराना डॉक्यूमेंट ले रहा है। तो जिसका आगे फिजिकल है उसको बड़ी राहत मिलेगी और डेली रात 8 बजे हम क्लास भी चलाते हैं फ्री में CISF फायरमैन के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को एडमिट कार्ड पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग जैसे नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ से लेकर और इस यहाँ पर देखिए 18 नंबर तक सिर्फ इम्पोर्टेंट जानकारी दिया गया है, जिसमें से 5 इम्पोर्टेंट जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। और हम आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिखाएंगे कि इस फॉर्मेट में आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, अपना ई प्रवेश पत्र दिए गए स्थान पर हाल ही में रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाकर भर्ती केंद्र पर लाए, अन्यथा आपको भर्ती केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए यहाँ पर दिया है नवीनतम फोटो चिपकाने के लिए, यहाँ पर अपना फोटो चिपका के आप लोगों को यहाँ से ले जाना है या वहाँ पर जाके आप लोगों को फोटो चिपका लेना है, समझ गए। और यहाँ पर बता दिया गया है कि ये भर्ती केवल पुरुष के लिए है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी बता दिया गया है, 3 नंबर में देखिए बताया गया है कि CISF द्वारा अग्निपद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो बच्चे 12वीं में साइंस से पास किए हैं उन्हीं को दी जाएगी, और जो बच्चे पास नहीं किए हैं उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे साइंस से अपना साइंस का 12वीं का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र ले लेना है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भर्ती केंद्र पर अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग समय 6 बजे होगा, भर्ती प्रक्रिया सुबह 6:30 बजे शुरू होगी। मतलब किसी का 6 बजे दिया है तो किसी का 6:30 से दिया है, मतलब 6 बजे से लेकर 6:30, मतलब आधा घंटा आप लोगों को रिपोर्टिंग का मौका मिलेगा 6 बजे से 6:30 बजे तक ही। इसके बाद अपना पासपोर्ट आकार का 6 नंबर में देखिए 4 फोटो और सभी मूल शैक्षणिक जाति निवास पर तथा अन्य दस्तावेज के साथ 1 सेट फोटो जरूर लाए। तो देखिए 4 फोटो लेना है रंगीन, सभी मूल शैक्षणिक 10वां और इंटर का दोनों का ले लेना है, सभी का 1-1 फोटोकॉपी कर लेना है, जाति ले लेना है OBC का और SC ST का, और ये भारत सरकार का बना हुआ है जो आगे हम आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं कि कैसा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो CISF के नोटिफिकेशन में दिया है। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड ले लीजिए, 2 जरूरी चीज़ है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। तो समझ गए दोस्तों बस इतना ही। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को बता दें कि सबसे ज़्यादा बच्चे CISF फायरमैन में हाइट में फेल होंगे और इसके बाद डॉक्यूमेंट में फेल किए जाएंगे, आप लोग देख लेना। और 26 तारीख को हम बता ही देंगे दोस्तों, 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में, रनिंग के बाद आप लोगों को हाइट वेट होगा, डॉक्यूमेंट चेक करके आप लोगों को 12 बजे तक छोड़ दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि कैसा आप लोगों का परफॉर्मा होना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों ये CISF का नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ था, इसी में सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे हम चलते हैं सबसे नीचे। और दोस्तों यदि आप लोग अपना स्टेट वाइज वैकेंसी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए कि सर एक वीडियो बना दीजिए, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे जो स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए होगा कि आपके स्टेट।
तो देख लीजिए दोस्तों, ये है CISF का OBC जो भारत सरकार का होता है। यदि आप लोग भारत सरकार के बना लिए हैं तो कम से कम आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट 5 से 6 महीना पुराना हो चाहिए और आवासीय आप लोगों का 2 से 3 महीना पुराना चलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये SC ST का सर्टिफिकेट है भारत सरकार वाला। देखिए इसी प्रकार का परफॉर्मा होना चाहिए, आप लोग देख लीजिए इसी प्रकार का परफॉर्मा आप लोगों को होना चाहिए। CISF ने अपना परफॉर्मा यहाँ पर दे दिया है कि इस प्रकार से आप लोगों को SC ST सर्टिफिकेट बनाकर लाना है। और नीचे चलते नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर दिया गया है OBC, जो भी OBC कैंडिडेट है देखिए इस प्रकार से आप लोगों को बना के लाना है इस परफॉर्मा में। देखिए परफॉर्मा भी CISF के वेबसाइट पर दे दिया गया है, आप लोग इससे देखिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया है डिप्टी कमिश्नर, और आप लोग करा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से या डिप्टी कमिश्नर से आप लोगों को बना होना चाहिए। देखिए OBC का हो गया ये, देख लीजिए सभी बच्चे। दोस्तों बड़ी जानकारी है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये SC ST का हो गया। तो दोस्तों यदि आप लोग स्टेट वाइज वैकेंसी जानना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्टेट से 2 जगह वैकेंसी है, SC में 2 जगह, ST में 2 जगह, यदि जानना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।